गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इन द लास्ट टू क्लासेस वी डिस्कस टू मेथड्स ऑफ एडमिशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स एंड सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम एल्केन्स एंड सेकेंड बाय द कार्बोनिल कंपाउंड। एंड इन these two methods also two methods involve total four, and the last method of preparation of alcohol, that is from Grignard reagents. Grignard reagents क्या होते हैं? The compounds which are made up of RMGS, ऐसे compounds जो RMGS से बने होते हैं, RMGS alkyl group and S means halogen. हैलोजन और एल्काइल ग्रुप जब मैग्नीशियम से कंबाइन होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब ये होता क्या है? इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमें दिखाना है और तो आप तो क्या होगा? व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमें क्या ऑप्टेट होता है? एल्कोहल आते हैं। ओके, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल इज ऑप्टेन। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या दिया गया है? एल्डिहाइड। कल आपको बताया गया था एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर RCH2, देखा RCH2 से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो आपके एल्डिहाइड कहलाते हैं। ओके, जिसमें कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से दूसरा बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। तो जब ये RCH2 रिएक्शन करता है किसके साथ? RMGS के साथ। और ये R क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, R डैश होना चाहिए। तो RMGS के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये जो आपका कंपाउंड बनाता रहता है, ये जो आपका कंपाउंड बनाता है, ये आपका कंपाउंड हो जाता है, सॉरी यहाँ पे आर होना चाहिए। हाँ, ये जो कंपाउंड आपका बनाता है फिर होगा क्या? देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन की निगेटिव भी क्या था तो RMGS फिर ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है और इतना आपका पॉजिटिव शो करता है ये आपका, और ये आपका आ जाएगा किस पे? इस कार्बन पे। तो हो गया RCH और ऑक्सीजन से आपका क्या जुड़ेगा? MGS। क्या जुड़ेगा? MGS जुड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो कंपाउंड बना, ये कैसा कंपाउंड है? एडिशन कंपाउंड या इसी को इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कहते हैं। ओके, अब ये जो एडिशन कंपाउंड बना जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, मीन्स रिएक्शन विद वाटर, और वाटर को हम देख सकते हैं किस फॉर्म में, H2S के ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो यहां से OMGS जो है ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये जो ये इतना पार्ट आपका निगेटिव होगा और ये आपका H+ इस निगेटिव वाले से अटैच होगा, ये क्या बनाएगा? RCHR-OH। अब देखिए OH हो गया तो ग्रुप बना दिया एल्कोहल। अब जो बचा है MGS, ये बचे हुए OH से रिएक्शन कर जाएगा, इतना पार्ट आपका पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था। अब देखिए ये पार्ट आपका पॉजिटिव, तो MGOH के साथ जुड़ जाएगा, MGOHS बना। देखिए हर जगह जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा MGOHS होगा इस रिएक्शन। अब ये कौन सा एल्कोहल हमें आप फ्रेंड हुआ अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो OH जुड़ा है उस कार्बन से जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और आपको बताया गया है जिस कार्बन के पास एक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। तो कौन सा एल्कोहल आप फ्रेंड हुआ? प्राइमरी नहीं, जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा वहां पे सेकेंडरी होगा, और जिससे दो होंगे वो आपके क्या होंगे? प्राइमरी होंगे, और जिस पे एक भी नहीं होगा वो आपका क्या होगा? टर्शियरी। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि इसका कार्बन से जुड़ा है जिसके पास एक हाइड्रोजन। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं एल्डिहाइड का जो हमने एग्जाम्पल दिया फॉर्मेल्डिहाइड,
हार्मोन दिया है जिसको कहते हैं एच सी एच ओ, एच सी एच ओ। और यहाँ पे जो विकिरण एजेंट दिया गया उसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, सी एस थ्री मेथिल जी मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जब हार्मोन दिया है रिएक्शन करेगा तो सेम चीजें पॉसिबल होंगी, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा। अब आप कहेंगे कि चार्ज क्या आएगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा ये आपका निगेटिव निगेटिव होगा, ये तो अटैचमेंट जब होगा बेटा यहाँ पे तो ये सी एस थ्री आपकी इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव वाला आपकी इस ऑक्सीजन से, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसका क्या नाम होगा सी एस थ्री। अब देखिए सी एस थ्री और ये दोनों ये आपकी कार्बन से जुड़ गया सी एस टू, सी एस थ्री सी एस टू ओ एम जी सी एल, ये आपका कैसा प्रोडक्ट बना है, एडिशन प्रोडक्ट बना, एडिशन एडिशन कंपाउंड बना या एडिशन प्रोडक्ट बना जो कि कैसा होता है अनस्टेबल होता है, कैसा होता है अनस्टेबल होता है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा मीन्स वाटर से रिएक्शन होगा एच ओ एच के साथ, ये इतना प्लस हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस के साथ तो इसमें इतना भाग यहाँ से फ्लिप होगा ये आपका निगेटिव होगा, निगेटिव वाले से पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से निगेटिव, तो यहाँ पे सी एस थ्री सी एस टू ओ एच बनेगा। और इसको हम कौन सा एल्कोहल बोल रहे हैं, देखिए ये कौन सा एल्कोहल वाला प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा वाला प्राइमरी। अगर यहाँ पे हम क्या करते सी एस थ्री सी एच ओ ले, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन दिया गया एल्काइल ग्रुप की जगह तो ये कौन सा बना प्राइमरी है, लेकिन अगर सी एस थ्री लेते एस्टर डिहाइड लेते तो कौन सा एल्कोहल बनता, सेकेंडरी एल्कोहल बनता, वन डिग्री एल्कोहल में ऑब्टेंड हुआ ओके। और साथ ही साथ जो बायो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एम जी ओ एच के साथ रिएक्शन कर लिया एम जी ओ एच सी मीन्स फेनिल्डिहाइड कंबाइंड विद द आर एम जी एस गिव्स प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी ओके। नाउ द कीटोन, व्हेन कीटोन कंबाइंड विद द आर एम जी एस गिव फेनिल्कोहल, कीटोन कंबाइंड विद द आर एम जी एस द कंपाउंड इज ऑब्टेंड एल्कोहल, किस टाइप का एल्कोहल आइए देखते हैं। कीटोन दोनों साइड एंटी ग्रुप है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कीटोन है जब कंबाइंड हो गए यहाँ पे किसके साथ आर एम जी एस, लेकिन ये आर डैश रखा गया है क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या होगा बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये पॉजिटिव निगेटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव की आके जुड़ेगी तो आर सी आर आर डैश हो गया। अब जो बचा सिंगल बॉन्ड को उस ओ से क्या जुड़ेगा, ये पार्ट आपका जुड़ेगा जो की क्या है एम जी एस, तो ओ एम जी एस आर सी आर आर डैश ओ एम जी एस। और फिर से जब रिएक्शन होगा किसके साथ, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा, किसके साथ हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस होगा बेटा तो एच ओ एच में कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा एच ओ एच में, अब एच प्लस अटैच हो जाएगा ओ एच माइनस, अब यहाँ से ये कंप्लीट होगा ये आपका माइनस ये आपका प्लस, तो ये बनाएगा एम जी ओ एच एस और साथ ही क्या बनाएगा आर सी आर डैश ओ एच ऑक्सीजन के साथ किया, तो ये कौन सा एल्कोहल ऑब्टेंड हुआ जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ कौन सा एल्कोहल ऑब्टेंड कर, समझ नहीं आया इसका हम एग्जांपल अब देख लेते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, यस नाउ द एग्जांपल ऑफ कीटोन टू एल्कोहल, अब कीटोन की जगह हम एग्जांपल लेते हैं सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री जिसका कॉमन नेम डाई मेथिल कीटोन, दोनों साइड मेथिल है तो डाई मेथिल कीटोन नॉट रिएजेंट क्या होगा सी एस थ्री एम जी या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब रिएक्शन होगा सेम वे में ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिविटी कार्बन से निगेटिविटी ऑक्सीजन पे, अब यहाँ से ये आपका ब्रेक होगा दोनों पे पॉजिटिव कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है
जो आएगा चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, अब CH3 अटैच होगा किसपे, इसका आयन से अटैच होगा और एमजी भी अटैच होगा आप सीजर से दो। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O एमजी भी आर, ये जो बनेगा कैसा प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। अब इसका हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस करना होगा। हाइड्रोलिसिस करने में क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर H2O ब्रेक होगा H2H में। अब यहाँ से ये जो H है इस OMG से क्या होगा, वो इतना माइनस होगा या आपका प्लस होगा, O और H कंबाइन हो जाएंगे CH3 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 OH। अब एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल उस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास एंट्री नहीं हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया आपका टर्शियरी एल्कोहल, और जो बचा कंपाउंड क्या होगा MgOH। ओके, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट, थ्री मेथड्स, क्रॉम एल्कीन, सेकेंड क्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड एंड लास्ट RMDX बाय द विनार्ड रिएक्शन। ओके, थैंक यू।